प्रसिद्ध कथावाचक बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ नागपुर में हुई घटना पर मेहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने आपत्ति जताई है। उन्होंने इसकी कड़ी निंदा करते हुए कहा कि साधु संत महात्मा व कथावाचकों का अपमान नहीं होना चाहिए। हिंदू धर्म की आस्था पर आघात और प्रहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ नागपुर में हुई घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। विधायक त्रिपाठी ने कहा कि भूत प्रेतों को कहीं ना कहीं इंटरनेशनल विज्ञान भी मान्यता देता है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में भूत की मौजूदगी के प्रमाण कई बार मीडिया में दिखाए और बताए गए हैं। लोगों की आस्था ही तो सब कुछ है। ऐसी स्थिति में हमारे जो भी साधु संत महात्मा कथावाचक हैं, उनका अपमान नहीं होना चाहिए। इससे पहले भी संत प्रदीप मिश्रा के साथ सीहोर में यही हुआ था। भीड़ और व्यवस्था का बहाना बनाकर कथा बंद करा दी गई थी। त्रिपाठी ने कहा, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम भी जब आए होंगे उनसे भी सवाल करने वाले कम नहीं थे और किए भी गए। भगवान श्री कृष्ण को चमत्कारी कहा, उन्हें छलिया बताया गया, ये तो अनादिकाल से चलता आ रहा है, लेकिन हम हिंदू धर्म की आस्था पर किसी तरह का प्रहार बर्दाश्त नहीं करेंगे। त्रिपाठी ने कहा, वे 22 जनवरी को राजधानी भोपाल में हिंदू धर्म और तमाम कथा वाचकों के सम्मान में एक वृहद आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें आप सभी धर्मावलंबी तमाम कथा वाचक बागेश्वर धाम के अनुयायियों से मेरी अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में आयोजन में पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराएं। साथ ही विधायक त्रिपाठी ने कहा कि मेरी तमाम हिंदुस्तानियों से भगवान भोलेनाथ प्रभु श्री राम पर आस्था रखने वाले लोगों से अपील है कि ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति रखने वाले लोगों का सड़क पर उतर कर मुंह तोड़ जवाब देने का कार्य भी करें। प्रमाण कौन क्या मांग रहा है, वही तो बोल रहा हूँ कि यदि हम अपने धर्म के बारे में, अपने धर्म गुरुओं के बारे में इस तरह आरोप लगाते जाएंगे तो ये बात भी सच है कि फिर यही तो प्रमाण कई तरह के होते हैं। मैं वो उन विषयों में नहीं जाना चाहता, पर हम हिंदुस्तान के हैं, हम अपने धर्म गुरुओं को मानते हैं, हम रामायण को पूजते हैं, रामायण के अनुसार चलते हैं, राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, अपने पिता को मानते हैं, माता को मानते हैं, तो पिता का भी प्रमाण लोग मांगने लगेंगे। तो ये धर्म और विश्वास आस्था का मामला है, ये उनकी सोच हो सकती है, जो हमारी सोच है उसके अनुसार हम हर हाल में इस विषय पर 22 तारीख को 5 बजे 10 नंबर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किए हैं और इस लड़ाई को भी धर्मगुरुओं के पक्ष में लड़ाई लड़ेंगे, बागेश्वर धाम के पक्ष में लड़ाई। रामायण, भागवत, राम, कृष्ण सबके ऊपर जल्दी नाम कमाने की लालसा से किसी न किसी तरफ आरोप और प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। कभी रामायण के नाम पर तुलसीदास जी के द्वारा रचित ग्रंथ के नाम पर, तो कभी धर्म गुरुओं के नाम पर। अभी अभी हाल ही में नागपुर में बागेश्वर धाम वाले महाराज जी के ऊपर आरोप लगाते हुए, जादू टोना टोटका का हवाला देते हुए वहाँ की एक समिति के द्वारा केस रजिस्टर्ड कराने का प्रयास किया गया और अभी भी वो सक्रिय हैं कि उनके ऊपर केस रजिस्टर्ड हो। तो हमारे हिंदू धर्म के गुरु, हमारे रामायण ग्रंथ, हमारे साधु संत, ये सब हमारे लिए पूजनीय हैं, हमारे आस्था धार्मिक भावनाओं के प्रतीक हैं। इनके ऊपर जब कोई आरोप लगाता है तो दिल दुखता भी है और लगता है कि जो इस तरह के लोग हैं उनके ऊपर ऐसा कोई कानून इस हिंदुस्तान में क्यों नहीं बनता कि इनके ऊपर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। आज पाकिस्तान में यदि कोई इस तरह आरोप लगा दे उनके धर्मगुरुओं के ऊपर, या हिंदुस्तान में इस तरह लगा दिया जाए तो बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो जाएगी, पर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।